लोग सब ठीक है? Yes, सतना जिले का आदर्श एकलव्य विद्यालय बना राजेंद्र का अखाड़ा। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने स्कूल में की तालेबंदी। प्रिंसिपल और दो शिक्षकों पर मारपीट और गाली गलौज का है आरोप। मौके पर पहुंचे मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आदिवासी आवासीय एकलव्य विद्यालय में आज सुबह से ही हंगामे की स्थिति बनी हुई है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल द्वारा अनर्गल आरोप लगाया जाता है, वो अपशब्द कहकर मारपीट की जाती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए और विद्यालय परिषद में ताला जड़ के धरने पर बैठ गए। हालांकि इस मामले में स्कूल के प्राचार्य एसपी मिश्रा की माने तो संगीत के शिक्षक का व्यवहार सही नहीं है। वो छात्र छात्राओं को भड़का रहे हैं और साजिश रचकर स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आवासीय विद्यालय की हंगामे की खबर सुनकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी विद्यालय परिसर पहुंचे और छात्र छात्राओं से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर सतना से बातचीत करते हुए इस मामले से अवगत कराया। कलेक्टर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार नागिन त्रिपाठी, आवासीय विद्यालय के अधिकारी और चौकी प्रभारी संतोष पुजारी को विद्यालय परिसर भेजा और विधायक ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा है कि पूरे मामले की जांच जल्द पूरी हो। आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल परीक्षाएं सर पर आ चुकी हैं, ऐसे में छात्र छात्राएं हड़ताल कर रहे हैं। आरोप भी संगीन है। प्रशासन को जल्द इस मामले की जांच कर मामले को सुलझाने की जरूरत है ताकि बच्चों के भविष्य सुरक्षित रहें और शिक्षा के मंदिर का नाम भी खराब ना हो। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। फिर कल जीके मुझे बनाने के लिए सर बोले थे, तो मैं क्या कहते, हम लोग हिंदी मीडियम तो इंग्लिश से ट्रांसलेशन बनता नहीं है, तो सर के हम लोग हेल्प लेने गए थे, तो हम मैं सर इकट्ठा थे, तो सर क्या कहते उसके लिए बोल दिए कि तू मर्यादा भूल, मतलब यहाँ सबके पूरे भरी असेंबली में बोल दिए कि मर्यादा भूल रही है, होता कौन हो क्योंकि उसके साथ बैठी थी। और सर फिर सर दूरी खड़े तो बोलते कि इस मजनू की फोटो खींचो। सर हम लोग सर सर से बात करने आए सर, तो हम यहाँ सर एक लोग गए सर से बात करने, हम लोग यहाँ खड़े थे सर, हम लोग को समझा रहे थे सर, तो मतलब सर वो बहुत खाए हुए सर, तो उनके मुंह से निकल गया था। क्या खाए हुए सर? ये सर पर गुटका जैसे ही था सर, गुटका था। अब ये नहीं पता सर। तुम्हारे साइड में पड़ा था? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? रुपेश कुमार। सर कारण ये था कि मैं सर, हमारे सर से मारपीट की गई है और प्रिंसिपल सर हम लोगों के सामने सर मैं सर को बोल रहे थे कि गलत शब्द का यूज़ करके बोल रहे थे कि ऐसी तैसी कर दूंगा कर लेंगे, या फिर वो रहेगा, सीधे चैलेंज दिए भरी असेंबली में, ये बोला गया कि वो या फिर वो रहेगा या फिर मैं रहूँगा, और दीदी के साथ ही मेरी सगी सिस्टर दीदी के साथ ये बोला गया कि गलत शब्द का यूज़ करके बोलेंगे लैला मजनू यहाँ ये वो बैठे रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है सर। असल रात में 12 बजे 12:30 समथिंग किसी को नहीं, कोई नहीं जाना, किसी को नहीं जाना चाहिए सर। देखिए हमें पता चला कि कुछ टीचर्स ने बच्चों के साथ मिसबिहेव किया, या बच्चों का जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि कुछ मतलब अपशब्दों का इस्तेमाल किया, इसके चलते कुछ छात्र यहाँ पर इकट्ठा, मतलब विद्यालय के छात्र इकट्ठा थे और यहाँ पर शायद तालाबंदी की, तो मैंने उनको समझा दिया है, अभी क्लास में गए हैं और हम फिर आगे पेरेंट्स की मीटिंग लेके बच्चों की क्लास में जा कर समझा देंगे, ये पढ़ाई का केंद्र है और अगर किसी को परेशानी है तो पहले अपने पेरेंट्स को बताए, और अगर पेरेंट्स को नहीं बता सकता है तो जो भी टीचर हो सारे, अगर टीचर अगर ठीक भी नहीं होंगे मान लीजिए, तो सारे तो नहीं होंगे, तो जो उनको क्लास में बाकी टीचर्स हैं उनमें किसी को बताएं, इस तरह से अगर कोई समस्या आती है। अच्छा, पूर्व में कई बार आया, मुझे इस तरह की कोई समस्या समझ में नहीं है, आज ही आई है, हम इसका और अध्ययन करेंगे कैसे इसका हम सोल्यूशन ऐसा करेंगे फिर भविष्य में इस तरह की बातें ना।